Good morning, class 2. Today we are going to start with our English literature work and we are going to read the chapter, lesson number 9, The Terrible Shovels. Okay, Terrible Shovels is a story about a fox. ओके एक फॉक्स और एक शॉवल के बारे में स्टोरी है. शॉवल मीन्स जैसे कि ये बना है यहाँ पिक्चर में देखिए भाले जैसी चीज होती है. ओके इसके बारे में मिस्टर फॉक्स इज वेरी क्लेवर. एवरी नाइट ही स्टील्स फूड फ्रॉम द फार्म्स ऑफ बोगिस बंस एंड बीन टू फीड हिज फैमिली. मिस्टर फॉक्स के बारे में बात हो रही है कि एक फॉक्स है वो बहुत ही क्लेवर है चालाक है. वो रोज रात को खाना चुरा लेता था किसके फार्म से खेतों से बोगस बंस एंड बीन के अपनी फैमिली को खिलाने के लिए. द फार्मर्स गेट वेरी एंग्री एंड ट्राई टू किल मिस्टर फॉक्स बट दे ओनली मैनेज टू शूट हिज टेल ऑफ. तो फार्मर्स ने ये डिसाइड किया कि उनको बहुत गुस्सा आता है वो डिसाइड करते कि अब हम इसको मार देंगे मिस्टर फॉक्स को. लेकिन वो क्या कर पाते हैं वो सिर्फ उसकी टेल यानी कि पूंछ को कट कर देते हैं. It was the finest tail for miles around, said Mrs. Fox sadly. और Mrs. Fox जो उसकी वाइफ होती है फॉक्स की वो कहती है जो मिस्टर फॉक्स की टेल थी जो पूंछ थी वो सबसे अच्छी पूंछ थी. I shall be tailless for the rest of my life, said Mr. Fox. He looked very glum. और फिर उसके बाद मिस्टर फॉक्स कहते हैं कि अब लगता है मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिना पूंछ के ही रहना पड़ेगा और वो बहुत ही सैड होता है. There was no food for the foxes that night and soon the children dozed off. और उस रात खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में और बच्चे भी भूखे सो जाते हैं. Then Mrs. Fox dozed off. Mrs. Fox भी सो जाती हैं. But Mr. Fox couldn't sleep because of the pain in the stump of his tail. लेकिन Mr. Fox को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उनकी टेल के पास बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है दर्द हो रहा होता है. Well, he thought, I am lucky to be alive at all and now they have found our hole. We will have to move out as soon as possible. तो वो कहता है कि चलो एटलीस्ट मैं लकी तो था कि मैं बच गया वो मुझे मार नहीं पाए और अब उन्होंने जैसे कि हमारा घर जो हमारा होल है जिस गड्ढे में वो रहते थे वो देख लिया है तो उनको वहाँ से वो छोड़ना पड़ेगा. वील नेवर गेट एनी पीस इफ वी वॉट वॉज दैट. और वो सोच ही रहा होता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम शांति से अब नहीं रह सकते हैं. और अचानक से वो कहता है ये क्या था. He turned his head sharply and listened. The noise he heard now was the most frightening noise of a fox can ever hear. और वो जो आवाज़ सुनता है वो बहुत ही ऐसी आवाज़ थी जो उसको डरा रही थी. ओके द स्क्रेप स्क्रैप स्क्रेपिंग ऑफ शॉवल्स डिगिंग इनटू द सॉइल. और किसकी आवाज़ थी मिट्टी में खोद रहे थे वो शॉवल्स जो थे जो भाले की तरह और कुल्हाड़ी की तरह जो चीज़ थी वो गड्ढा खोद रही थी. वेक अप ही शाउटेड दे आर डिगिंग अस आउट. वो चिल्लाता है कहता उठो सब वो लोग हमें खोद के बाहर निकाल रहे लग रहा है. मिसेस फॉक्स वॉज वाइड अवेक इन वन सेकेंड. शी सैट अप शेकिंग ऑल ओवर. आर यू श्योर शी व्हिस्पर्ड. और मिसेस फॉक्स अचानक से उठ के बैठ जाती हैं और सब वो कांपने लगती हैं एकदम से. वो कहती हैं क्या तुम श्योर हो. आई एम श्योर लिसन. वो कहता है यस मैं श्योर हूँ सुनो ध्यान से. मिसेस फॉक्स बिगैन टू क्राई. वो रोने लगती हैं. शी गैदर्ड हर फोर चिल्ड्रन क्लोज टू हर एंड हेल्ड देम टाइट. और वो अपने चारों बच्चों को कितने बच्चे थे उनके फोर पकड़ती हैं और टाइटली एकदम अपने पास पकड़ लेती हैं. सडनली द शार्प एंड ऑफ अ शॉवल केम राइट थ्रू द सीलिंग. और फिर सीलिंग यानी कि जो छत होती है ऊपर वहाँ पे एक शॉवल आ जाता है और सीलिंग को तोड़ देता है. द साइट ऑफ दिस ऑफुल थिंग शॉक्ड मिस्टर फॉक्स. ही जंप्ड अप. और ये देख के सब डर जाते हैं. मिस्टर फॉक्स बहुत डर जाते हैं और सब जंप करते हैं कूदते हैं. कम ऑन अ फॉक्स कैन डिग क्विकर देन अ मैन, शाउटेड मिस्टर फॉक्स बिगिनिंग टू डिग. नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डिग एज क्विक एज अ फॉक्स. और मिस्टर फॉक्स चिल्ला के कहते हैं चलो जल्दी जल्दी डिग करो खोदो जमीन हमसे हम फॉक्स हैं और फॉक्स से जल्दी कोई भी नहीं खोद सकता है जमीन को. मिसेस फॉक्स रैन फॉरवर्ड टू हेल्प हिम सो द फोर चिल्ड्रन. और सब मिलके सो जो है ये देखिए यहाँ पे सब खुदाई कर रहे हैं ना डिग कर रहे हैं. गो डाउन वॉज ऑर्डर्ड मिस्टर फॉक्स. वी हैव गॉट टू गो एज डीप एज वी पॉसिबली कैन. वो कहते हैं इतना ज़्यादा डीप खुदाई करो कि हम अंदर तक चले जाएं जितना हो सके. द टनल बिगैन टू ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर डीपर एंड डीपर बिलो द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड इट वेंट. और उन्होंने बहुत डीप और लॉन्ग एक टनल खोद लिया था डिग कर लिया था. ऑल द फॉक्सेज डग टूगेदर दे फ्रंट लेग्स मूव सो फास्ट यू कुडंट सी देम. और इतनी जल्दी जल्दी वो डिग कर रहे थे. स्लोली द साउंड ऑफ द शॉवल्स बिकेम फेंट. और धीरे धीरे करके वो अंदर उसके चले गए होल के टनल के और आवाज़ जो थी शॉवल की खोदने की वो कम होती चली गई. आफ्टर अबाउट एन आवर मिस्टर फॉक्स स्टॉप डिगिंग. स्टॉप ही सेड. और फिर एक घंटे बाद मिस्टर फॉक्स रुकते हैं डिग करना और कहते हैं रुको. दे ऑल स्टॉप सब रुक जाते हैं. दे टर्न एंड लुक बैक अप द लॉन्ग टनल दे हैड जस्ट डग. और फिर टनल को देखते हैं ध्यान से जो उन्होंने इतना डीप डग किया होता है. ऑल वॉज क्वाइट सब चुप रहते हैं. फ्यू
said Mr. Fox. I think we have done it. They'll never get as deep as this well done everyone. कहते हैं हमने बहुत अंदर तक टनल को डिग कर लिया है, अब वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम बच गए हैं. गुड जॉब. दे ऑल सैट डाउन पैंटिंग फॉर ब्रेथ, और सब बैठ के गहरी सांस लेते हैं. मिसेस फॉक्स सेड टू हर चिल्ड्रन, आई शुड लाइक यू टू नो दैट दिस इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट वी आर अलाइव. योर फादर इज अ फैंटास्टिक फॉक्स. मिसेस फॉक्स कहती हैं कि इसका क्रेडिट आपके फादर को जाता है, अपने बच्चों को बताती हैं तुम्हारे पापा इतने अच्छे फॉक्स हैं कि उनकी वजह से आज हम बच गए. सो चिल्ड्रन दिस इज द चैप्टर, जस्ट रीड द चैप्टर थॉरली एंड सी द वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. ओके, थैंक यू.